Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं. Students, उम्मीद है आप पिछले lessons की मसलसल practice कर रहे आ रहे होंगे. आज हम जो lesson उठाने जा रहे हैं AutoCAD के अंदर वो है polyline. तो dear students, मैंने आज के lesson में आपको बताना है आप polyline कैसे draw करेंगे AutoCAD के अंदर. बेसिकली हमारे पास AutoCAD के अंदर दो किस्म की मेन लाइंस होती हैं. एक सिंपल लाइन होती है आपके पास जो इससे पहले आपने ड्रॉ करते रहे हो आप. एक आपके पास पॉली लाइन होती है. पॉली लाइन और बेसिक लाइन में जो मेन कंसेप्ट जो फर्क है वो ये है, सिंपल लाइन हर क्लिक पे एक डिफरेंट लाइन ड्रॉ होती है, यानी कि न्यू लाइन ड्रॉ होती है एक तरह से, जबकि पॉली लाइन जो होती है वो स्टार्ट टू एंड एक ही लाइन रहती है. इसके अलावा पॉलीलाइन ज्यादातर 3D के अंदर यूज की जाती है. आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. AutoCAD को ओपन कर दें, डबल क्लिक करें, AutoCAD ओपन हो जाएगा. राइट क्लिक करके आप इसको ओपन करें तो ओपन हो जाएगा. तो मैं इसे ओपन कर देता हूं. डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा AutoCAD मेरे पास ओपन हो चुका है. हमेशा की तरह सबसे पहला काम, आप अपने व्यू में जाएं, डिस्प्ले के अंदर जाएं, UCS आइकन को ओरिजिन कर दें क्योंकि इसको आप लॉक कर दें. देन आप UN एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से. यूएन एंटर करने से क्या होगा, आपके यूनिट्स सामने आ जाएंगे, ड्राइंग यूनिट्स, इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके कर दें से. अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. देखिए मेरे पास लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, देन मेरे पास पॉली लाइन आ जाती है. पॉली लाइन की जो मेरे पास शॉर्टकट है वो है PL. आप PL एंटर करेंगे आपके पास आपकी पॉली लाइन एक्टिव हो जाएगी. तो PL एंटर करने से आपकी पॉली लाइन एक्टिव हो जाएगी, या आपकी क्या है, शॉर्टकट है. वापस आप इधर आ जाए, मैं सिंपली PL एंटर कर देता हूं तो मेरे पास मेरी पॉली लाइन एक्टिव हो जाएगी. अदरवाइज आप इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हो. जैसे आपने क्लिक किया, अब देखिए मैसेज आपके पास नीचे फिर क्या आ रहा है, कमांड विंडो में कहता है स्टार्ट पॉइंट बताओ किधर है. आप इसे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दे दें. अगेन मैं सिंपल लाइन ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दे देता हूं. अब सिंपल लाइन को भी मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, पॉली लाइन को भी मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए हैं. अब इसको मैं क्लिक कर देता हूं, सिंपल लाइन को मैंने डिलीट किया और दूसरा क्लिक करके अगेन मैंने डिलीट कर. अब मुझे फर्स्ट करें ये एरिया नहीं चाहिए पॉली लाइन का, मैं क्लिक कर दूंगा, डिलीट करूंगा तो ये देखिए क्या स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा, जैसे आप कहीं भी क्लिक करते हो लेकिन आपके पास फुली सिलेक्शन हमें आ जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉली लाइन है, जबकि सिंपल लाइन हर क्लिक पे एक अलहदा लाइन होती है. वापस मैंने PL या पॉली लाइन के ऊपर क्लिक कर दें या PL एंटर कर दें तो आपके पास पॉली लाइन एक्टिव हो जाएगी. स्टार्ट पॉइंट पूछ रहे हैं, मैंने इसको एक पॉइंट ये दे दिया है. अब नेक्स्ट पॉइंट आप कहीं भी दे सकते हो या F8 प्रेस कर दें. आप F8 आपने प्रेस किया, आप कहीं भी आगे तरफ निकल सकते हो, या अगर आप एंगल के ऊपर जाना चाह रहे हो Shift@Rate, आप वही पुराने फॉर्मूले दे दें. मैंने कहा मुझे 4 फिट्स लाइन चाहिए, लेस देन 25 का एंगल चाहिए, तो देखें आपके पास 4 फिट्स की लाइन आ जाएगी, 25 के एंगल पर चली गई है. इस तरह से अगर आप एक्सिस के ऊपर लाइन लगाना चाहते हो Shift@Rate, आप कहते हो एक्स के ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई ना हो और वाई के ऊपर 4 फिट्स की लाइन ड्रा होनी चाहिए, तो देखें वाई के ऊपर की लाइन ड्रा हो चुकी है. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या हमारे पास यहां पर 25 का एंगल था कि नहीं था. बेसिकली पॉली लाइन के अंदर वही तमाम चीजें अप्लाई की जाती हैं जो सिंपल लाइन के अंदर होती हैं. देखा आपके पास सेम टू सेम वही एंगल है, जस्ट फर्क इतना है जब क्लिक करते हो मुकम्मल वन टू ऑल ये सिलेक्ट हो जाती है. लेकिन जब आप पॉली लाइन के ऊपर चले जाते हैं, आप कुछ पॉइंट्स दे देते हो. अब देखें हमारे पास कुछ मजीद इसके अंदर ऑप्शंस आ जाती हैं. अब वो ऑप्शंस क्या हैं, सबसे पहले आपके पास कहता है नेक्स्ट पॉइंट बताओ. अगर आप नेक्स्ट पॉइंट नहीं बताना चाह रहे फिर ऑप्शन आ जाती है आर, या तो फिर आपके पास सबसे पहले ऑप्शन क्या है, आर्क. आर्क क्या चीज है आपके पास, आर्क आपके पास सर्कल का हाफ होती है जो आपके पास आर्क कहलाएगी. इसके लिए आप कीबोर्ड से जस्ट एंटर कर दें. मैंने ए एंटर किया क्योंकि मेरे पास ये ए कैपिटल है यहाँ पे. जैसे मैंने ए एंटर किया तो मेरे पास देखिए यार आ चुकी, एक पॉइंट दें, दूसरा दें, तीसरा दें, चौथा दें. मैं बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हूँ ऊपर की तरफ. देखिए मैं एंटर कर देता हूँ तो ये मेरे पास मेरी आर्क ड्रा हो चुकी है. अब सिलेक्शन दें, आर्क को आप दाएं से बाएं भी मूव कर सकते हो इजिली. आप इसकी वैल्यूज भी दे सकते हो, लेकिन वैल्यू देना मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा आर्क के अंदर कैसे आप आर्क को ड्रॉ करेंगे. अगेन मैं पॉइंट लाइन ले लेता हूँ, फिर मैंने इसको 1, 2 पॉइंट्स दे दिए हैं. मैं एंटर कर दूंगा, मेरे पास आर्क आ गई है. अब अगेन मुझे यहां पे आगे आर्क नहीं चाहिए, मुझको लाइन चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स,
इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से एल एंटर कर देंगे। एल से क्यों? क्योंकि मेरे पास देखिए मजीद ब्रैकेट्स आ गए हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आज के आ चुकी हैं, लेकिन मुझको वापस लाइन लेनी है। एल एंटर कर दिया आपने, अब वापस आप आगे जानब निकले और फिर मैं एंटर कर देता हूँ। आगे मेरे पास आर्क आ चुकी है, तो ये देखा ये मेरे पास मेरी पॉलीलाइन का यूज आ जाता है, यानी कि आपने पॉलीलाइन के अंदर आर्क को अगर यूज करना है तो उसके मुख्तलिफ मेथड आपके पास है। ठीक है, वापस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं पी एल एंटर कर दूंगा पॉलीलाइन के लिए, मैंने उसको एक पॉइंट दिया, मैंने उसको दूसरा पॉइंट दे दिया, तीसरा पॉइंट दिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्लोज। क्लोज से मुराद है आपका फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के साथ क्लोज हो जाएगा, जैसे आपने लास्ट लेसन के अंदर किया था। सी एंटर कर दें, पहला पॉइंट आखिरी के साथ क्लोज हो चुका है, वापस मैंने डिलीट कर दिया, मैंने फिर पॉलीलाइन ले ली है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, मेरे पास हाफ विड्थ की ऑप्शन आ जाती है। देखिए मैं पॉलीलाइन के ऊपर चला गया हूं, मैंने उसे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। हाफ विड्थ, हाफ विड्थ का काम क्या होता है? हाफ विड्थ का काम होता है लाइन को मोटाई देगा, विड्थ देगा, लेकिन आप टोटल का यहां पर हाफ देने वाले हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको 2 फिट्स की वैल्यू चाहिए तो आप उसको 1 फिट्स देंगे तो फिर ये आपको 2 फिट्स रिटर्न करेगा। बहरहाल आइए देखते हैं हाफ विड्थ का यूज क्या है। अब मैंने जहां पर क्लिक किया वहां पर ये कट्स पॉइंट्स बना हुआ आ चुका है, मैं एच इंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एच इंटर किया, कहता है स्टार्ट बताओ, स्टार्टिंग हाफ विड्थ कितनी होनी चाहिए। स्टार्टिंग से क्या मुराद है? जहां पर आपने इसको क्लिक किया हुआ है, यहां से आगे डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और यहां से मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं इसे कह देता हूं जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर आप इसे 0 ही छोड़ दो, लेकिन जहां पे एंड एक और क्लिक होगा वहां पर आप इसको 12 एंटर कर दो। अब जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब देखें यहां से 0 है और आगे करते करते जिधर भी आप क्लिक करेंगे वो आपका 12 होगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये अब क्या हुआ, 0 से लाइन स्टार्ट हुई है और 12 तक आ चुकी है। क्या चीज आ चुकी है? विड्थ इसकी आ चुकी है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जहां पर भी आगे क्लिक करता जाऊंगा वही 12, वही 12, 12, 12 की वैल्यू आगे जाएगी। एंटर कर देता हूं, देखें मेरे पास ये एरिया जो था ये स्टार्ट था और पहले क्लिक तक 0 से आगे बढ़ाता बढ़ाता 12 तक लिख रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद वही 12 12 12 12 12 की वैल्यू आगे लेकर आ रहा है। 12 से मुराद क्या है, 12 इंचेस में एंटर किए, यानी कि एक एक फिट्स की वैल्यू को आगे वो बढ़ाकर लेकर आता जा रहा है। मैंने अब डिलीट कर दिया इसको। अगेन वापस जब मैं पॉइंट लाइन यहां पे ले लेता हूं, जैसे मैं पॉइंट्स दूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास फिर वही मोटी लाइन मेरे पास आ चुकी है। वापस मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप जैसे आप इसे क्लिक कर दें और इस जगह पर नजर डालें तो यहां पर क्या वैल्यू आ रही है, 2 फिट्स आ रही है, जबकि मैंने कितनी दी थी आपके लिए, 1 फिट्स दी थी। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था स्टूडेंट्स, हाफ विड्थ से जो भी आप वैल्यू देते हो वो 2 टाइम आपके पास हो जाती है, यानी कि वो दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो जैसे मैंने इसको 1 फिट्स की वैल्यू दी, 12 इंच की वैल्यू दी, इसने उसको 2 फिट्स में कन्वर्ट कर डाला, 24 इंचेस में कन्वर्ट कर डाला। ठीक है, अब आप जिधर भी क्लिक करोगे ये वैल्यू आगे जाएगी। लेकिन आप कहते हो आपके पास अब ये मोटी लाइन नहीं जानी चाहिए, अब ये मोटी लाइन आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगेन एच एंटर कर दो। आप कहते हो स्टार्ट भी 0 कर दो इसे और एंड भी आप इसे 0 कर दो, तो आपके पास ये बिल्कुल 0 की लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर आप अगेन एच एंटर कर देते हो, कहते हो स्टार्ट 1 होना चाहिए था, एंड 0 होना चाहिए था, तो फिर देखें आपके पास ये स्टार्ट ऐसे 1 इंच पे ला रहा है और एंड आपके पास 0 पर आ रहा है। अगेन आप कहते हो क्लिक करने से वापस आप एच, आप कहते हो नहीं स्टार्ट 0 होना चाहिए था और एंड आपके पास 1 होना चाहिए था, तो अब इसका ये ऑपोजिट निकलेगा। वापस आप कह देते हो एच 0 और 0, देखें आपके पास ये तमाम शेप्स ऐसे भी ड्रॉ की जाएंगी। ठीक है, जेड स्पेस ई स्पेस, वापस देखते हैं, वापस आप पॉलीलाइन के अंदर चले जाएं। पीएल एंटर करने से पॉलीलाइन आपकी एक्टिव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स के ऊपर आपको ज्यादा जरूरत है काम करने की, क्योंकि शॉर्टकट्स की वही तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप ऑटोकैड को इजीली और फास्ट सीख सकते हो। बहरहाल मैंने लाइन ले ली अगेन यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है लेंथ। अब लेंथ क्या चीज है, देखिए स्टूडेंट्स मैंने एफर्ट को ऑफ कर दिया, मेरी लाइन ऊपर की जाने में मैंने टाइप किया 24 या 2 फिट्स दे देता हूं मैं से, और जैसे मैं 2 फिट्स दूंगा तो देखें लाइन उस तरफ रुकेगी जिस तरफ मेरा माउस होगा। अब अगेन देखें मेरे पास लाइन नीचे की जानब है, मैंने टाइप किया 4 फिट्स, जैसे मैं से एंटर कर दूंगा तो लाइन मेरी नीचे की जानब
forfeits draw हो जाएगी। अब मेरा माउस ऊपर की जानब है, अगेन मैंने टाइप किया forfeits, जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं तो देखें मेरे पास forfeits पर ड्रॉ हो गया। मेरा माउस इस तरफ जानब है, मैंने टाइप किया 3 fits, एंटर किया तो फिर देखें मेरे पास 3 fits की लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। तो ऐसे क्या होता है, आप जो वैल्यू देते जाते हैं उसके मुताबिक आपकी लाइन ड्रॉ होती जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं जो ऑप्शन अप्लाई करने वाला हूं वो क्या है, लेंथ। एल एंटर करते अपने कीबोर्ड से क्योंकि एल कैपिटल आ रहा है आपके पास। अब जैसे मैंने एल एंटर किया कहता है लेंथ ऑफ लाइन बताओ कितनी है। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहां पर 2 fits की वैल्यू एंटर कर देते हैं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली माउस मेरा नीचे की जानब है तो नीचे की जानब लाइन नहीं आएगी। ये क्या, नीचे की जानब लाइन क्यों नहीं आएगी? लेंथ का काम क्या होता है, लेंथ जब आप ऑप्शन अप्लाई करोगे पॉइंट लाइन के अंदर, लेंथ लास्ट लाइन की डायरेक्शन को आगे बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे जो आपका लास्ट एंगल है वो जा रहा है 170 पर, 140 पर, 150 पर, लेकिन जैसे मैं अब यहां पर वैल्यू एंटर करूंगा तो इसी एंगल के अंदर यानी कि यही आपकी लाइन आगे की जानब बढ़ेगी, यहां से ही आगे की जानब बढ़ती आएगी। तो आपके पास मजीद 4 fits या 2 fits की वैल्यू जो भी आप देंगे इसके अंदर एड होगी। तो आप एंटर करें, जैसे मैं से एंटर कर देता हूं 2 fits टाइप करने के बाद, तो देखा स्टूडेंट्स पीछे से लाइन आगे की जानब मजीद प्लस हो चुकी है। अगेन देखें एल मैंने एंटर किया, मैंने कहा मुझे वैल्यू चाहिए 4 fits की, जैसे मैं से एंटर कर दूंगा तो मजीद इसी के अंदर लाइन प्लस हुई है। लेकिन अगर आपका माउस अब नीचे की जानब है, अब आप लेंथ के ऑप्शन के अंदर नहीं है, अब अगर आप इसे 4 fits एंटर कर देते हो तो फिर आपकी लाइन उधर जाएगी जिस तरफ आपका माउस होगा। तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। वापस आप नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रही है आपके पास वो क्या है, अनडू। तो डियर स्टूडेंट्स आप यू एंटर करते जाओ या यू स्पेस लगाते जाओ, एक एक स्टेप आपको ये बाय लेकर आता जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू आ रही है आपके पास विड्थ आ रही है, सेम हाफ विड्थ की तरह है, जैसे हाफ विड्थ काम करती है विड्थ भी इस तरह से काम करेगी। आप डब्ल्यू एंटर कर दें, आपने कहा स्टार्टिंग मुझे 0 चाहिए, एंडिंग मुझे 3 fits की वैल्यू चाहिए, तो देखें बिल्कुल हाफ विड्थ की तरह इसने काम किया है। अब आप जिधर भी क्लिक करते जाएंगे आपके पास 3-3 fits की वैल्यू आगे निकलती जाएगी। अब स्टार्ट पे क्या है, 0 है, एंड पे क्या है, 3 fits है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। लेकिन अब जब आप वापस पॉली लाइन को लेंगे तो देखें फिर वही आपके पास मोटी लाइन आ जाएगी। अब देखना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आखिर हाफ विड्थ और विड्थ के अंदर फर्क क्या है। मैंने आपको अच्छी तरह से याद हो हाफ विड्थ के अंदर वैल्यू एंटर की थी 1 fits की, तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया था, 2 fits। लेकिन विड्थ के अंदर मैंने वैल्यू क्या दी है, 3 fits की, देखते हैं यह हमें क्या रिटर्न करता है। तो क्लिक करें आपके पास आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 3 fits, यानी कि विड्थ के अंदर आप जो वैल्यू देते हो वही रहती है, जबकि हाफ के अंदर आप जो भी देते हो वो आपके पास 2 times प्लस हो जाती है, यानी कि आपके पास दुगनी हो जाती है। अगेन आप यहां पर W एंटर कर सकते हैं, स्टार्ट 0 एंड 0 कर सकते हैं, आप इसे आप इसको स्टार्ट 0 एंड 0 कर दिया। अगेन मैं इसे W एंटर करते तो मैं कहता हूं स्टार्ट जो है वो होना चाहिए था 2 fits, एंड होना चाहिए था 0, तो स्टार्ट 2 fits है एंड 0 है, आप क्लिक कर दें तो ये आपके पास आ चुका है। अगेन आप W एंटर कर सकते हैं, आप कहते हैं स्टार्ट 0 होना चाहिए था एंड 2 fits होना चाहिए था, तो देखिए आपके पास एंड 2 fits पे चला गया। अगेन आप इसे W एंटर कर दें पहले और 0 एंड 0, तो आपके पास फिर ये गेन 0 0 की लाइन आती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा पॉली लाइन का लेसन। तो आखिर में फिर हमेशा की तरह मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हम हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा जिसकी सॉफ्ट कॉपी TCS आपके घर में भेज दी जाएगी। इसके अलावा उसी सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं www.xpacademy.com, या हमें इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर। अपनी दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।